ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक पाकिस्तान के खिलाफ किसे मिलेगा प्लेइंग 11 में मौका। दोस्तों बात करेंगे इस पूरी खबर के बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में ये बताना ना भूलें कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में किसे प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए। दोस्तों इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसे में चलिए दोस्तों अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर की। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की टीमें T20 वर्ल्ड कप में रविवार 23 अक्टूबर को भिड़ेंगी। इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 को तैयार कर लिया है। युवा कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में पंत की जगह अनुभवी विकेटकीपर दिनेश कार्तिक को तरजीह मिलने की उम्मीद है। कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में दिनेश कार्तिक को फिनिशर की भूमिका में देखना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के खिलाफ दिनेश कार्तिक का प्लेइंग 11 में शामिल होना तय है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 2 वार्म अप मैचों में ऋषभ पंत कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। ऋषभ पंत ने दोनों ही मैचों में 9 रन बनाए थे। इसके बाद मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले अनऑफिशियल वार्म अप मैच में उन्हें बाहर कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिनेश कार्तिक को मौका मिला था। भारतीय टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाला वार्म अप मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। ऐसे में पंत को खुद को साबित करने का मौका नहीं मिल सका। हालांकि इस दौरान कार्तिक का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। कार्तिक ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-19 और 10 का स्कोर किया था, वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 रन की पारी खेली थी। दिनेश कार्तिक ने इस साल 2022 में 19 पारियों में 181 गेंदों का सामना करते हुए कुल 273 रन बटोरे हैं। वहीं पंत की बात करें तो उन्होंने 17 पारियों में 338 रन जुटाए हैं। कार्तिक ने इस दौरान बतौर फिनिशर अपनी उपयोगिता साबित की है और 150 के ज्यादा से स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जबकि पंत ने 5वें नंबर पर 136 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो टीम मैनेजमेंट को पसंद नहीं है। फिलहाल दोस्तों अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक में किसे प्लेइंग 11 में मौका मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आप भी इस संबंध में अपनी राय कमेंट जरूर करें।